अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया और बर्ड जो है वो काफ़ी काफ़ी रिलैक्स हो गए। इतनी गर्मी पड़ रही थी, 46, 47, 45, और ऊपर तो छत पे आपको पता है ओपन शेड होता तो कैसे होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड काफ़ी हैप्पी, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सुकून में आ गए भाई बर्ड। ये माशाल्लाह से हमारा कॉकटेल बैठा हुआ, ये जब बैठा हुआ था ना हाँक रहा होता था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप बर्ड, अल्लाह का शुक्र है कोई भी बर्ड जो है ना अब वो हाँप नहीं रहा। सारे जो है वो मौसम के सुकून में आ गए, ठीक है। मौसम बहुत अच्छा हो गया और हवा चलना शुरू हो गई है बहुत तेज, तो इस वजह से जो है वो जो बर्ड्स हैं हमारे वो काफ़ी खुश हो गए। अब ये माशाल्लाह से हमारा कॉकटेल भी सेट हो ही गया, ये देख रहे हैं आप, लगा हुआ मस्ती में ही अपनी। अच्छा, एक अभी मेरे ख्याल से दरवाज़ा बंद हो गया होगा तो एक अंदर रह गया, ये जो है हमारा बाहर आ गया। बाकी ये जो बर्ड पड़े हैं देखें, ये भी सुकून से बैठे हैं। अब हमारे कुछ फिशर्स हैं, इसके अंदर कुछ स्प्लिट टेल फेलोज हैं, ये भी सुकून में बैठे हैं। तो ये कि गर्मी जब कम हुई है ना तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत फ़र्क पड़ गया। आपको मौसम दिखाता हूँ बाहर का, बाहर का मौसम चेक करें, चेक करें बाहर का मौसम, माशाल्लाह से बहुत सेट हो गया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। यही दुआ कर रहे थे कि जो मौसम जो है ना वो सेट हो जाए, क्योंकि बर्ड काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था बर्ड ना। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना हाँप रहा था, दिन में दो दफ़ा पानी भी चेंज कर रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रहा था सेटलमेंट। अभी अभी देखें जाएगा, यकीनन जाने के मुँह में बैठा हुआ है। आओ वीडियो बन रही तुम्हारी, इसकी वीडियो बनाना, एक वीडियो बनवाने के लिए आता है अपनी। माशाल्लाह तो ये भी सेट हो गया, इतना सा लेके आया था आंखों के देखते देखते इतना बड़ा हो गया, पता भी नहीं लगा, देख रहे माशाल्लाह से। बाकी ये हमारा व्हाइट वाला अंदर बैठा हुआ है, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा है यार। ये बाहर बहुत कम आता है, ये जो है ना बाहर बहुत कम आता है, इसको बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, इसको बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ना मेरे पास ना वहाँ पे ना स्पेस है, वो आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको ये रूम नज़र आ रहा होगा, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये रूम है, रूम तो खैर चार है, लेकिन एक ये रूम है जो कि ना थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने अपनी फिंचेस वगैरह रखी हुई थी, फिर डव भी रखी थी, फिर डव वहाँ चली गई थी। तो अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इस रूम को जो है ना रेनोवेट करूँ, और जो है इसको यह है बिल्कुल सेट, गाली वगैरह लगी हुई है, इसके अंदर हम परिंदे रख सकते हैं। ऐसी मेरे पास ये रूम है जिस पे पिक्चर लगी हुई है, इसके पीछे रूम है, एक बाहर रूम बना हुआ है, चार रूम बने हुए हैं। तो एक मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी मेरे ये वाले बर्ड्स हैं ना, ये देख रहे हैं आप, जितने भी मेरे बर्ड्स हैं, जितने भी ये सारे बर्ड्स हैं, क्यों ना मैं इस रूम को पहले डेकोर करूँ, इसको अच्छा से सेट करूँ, उसके बाद मैं सारे बर्ड्स के साथ छोड़ूँ लाइटिंग सेटिंग करके। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, क्योंकि मेरा पहले भी दिल किया था तो मैंने ये सब कुछ किया था, ये आप देख रहे होंगे मैंने ये सब कुछ किया था। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वाले रूम को ना सेट करूं। अभी मेरा इरादा ये है कि मैं सैटरडे को या फ्राइडे को इस रूम के लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आ रहा हूं और क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाह रहा हूं। ये मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं, हाँ इसको भी सोच रहे हैं कि ना ये यहीं पिंजरे में बैठा रहता है, वैसे तो उड़ता फिरता भी रहता है लेकिन ज़्यादातर इसको बैठने की आदत होगी ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ना इसको भी ना वहाँ शिफ्ट करें उस रूम में। तो उससे ये होगा कि वो आपको मैं दिखाऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा कि कैसा लगता है, फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी ये कि यार ये हमारे माशाल्लाह से ये भी बहुत सारे हो गए, तो इनकी भी जगह तो खैर बहुत है, जगह तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना खूबसूरती की तरफ। अरे क्या हो गया, भूख लग रही है क्या, क्या हो गया? ये हमारा कॉकटेल जो बेचारा परेशान हो रहा है, कहाँ जाना है, आ जाओ, डर रहा है। माशाल्लाह सेट हो गया यार, बहुत खूबसूरत हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा हो गया, बहुत प्यारा। क्या कह रहे हैं ऐसी क्वालिटी आप, इसको हैंड फीड पे पाला है मैंने, माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो गया। हाँ डर रहा है भैया, अभी डर रहा है। इसको भी थोड़ा सा मॉल वॉल में लेके जाएंगे ना, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पहले मेरे साथ नीचे कमरे में रहता था, तो मैंने कहा इसको बर्ड के पास ले आता तो वहाँ जाके थोड़ा सेट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ना ये डर रहा है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये एक पेयर है अल्बाइनो का और
लड़ाई का ना, इसने माशाल्लाह से तीन बच्चे जो है वो निकाले, उसके बच्चे चेक कराता मैं आपको, ये चेक करें माशाल्लाह से। तो ये कुछ बॉक्स है जो लगे हुए हैं यहाँ पे ना, जो हमारे कुछ बच्चे हैं वो भी इसके अंदर है, क्योंकि मैंने बॉक्स निकाल दिया, सीजन क्लोज हो गया था। ये जैसे एक बॉक्स है, इसके अंदर 101% कुछ ना कुछ होगा जब ये बॉक्स लगा हुआ है। अंडा है इसके अंदर, अंडा एक, तो इस वजह से इसको छोड़ा हुआ है। ठीक है, बॉक्स भी चेक कर लेता हूँ हाथ के, आ जा जब आ ही गया हूँ तो ये वाला बॉक्स चेक करता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर बच्चे हैं जो कि बाहर आ चुके हैं, ये रहे इसके बच्चे बाहर आ चुके हैं, ये रहे, ये देख रहे हैं अभी आप, ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही बाहर आए होंगे, बिल्कुल छोटे से ही हैं। ये मेरा ख्याल है, ये जो मेरा पेयर है ये है टोटी रेड आई, हाँ ये अलवाना रेड आई का पेयर है, ये रेड आई का पेयर है। तो इसका बॉक्स लगा हुआ है, अच्छा इसका बॉक्स भी लगा हुआ है, इसका बॉक्स भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। ये पेयर तो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ तक ख्याल है इसके अंदर या तो अंडे होंगे तो बच्चे होंगे, चेक करते हैं। दो माशाल्लाह छोटे से बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसलिए इनका भी बॉक्स जो है वो नहीं निकाला है। मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ, ये है इसके अंदर माशाल्लाह। तो ये दो छोटे बच्चे ऐसे हैं, तो इसलिए इसका बॉक्स भी अभी हमने नहीं निकाला। तो ये जब जैसे ही बच्चे फीट पे आ जाएंगे तो इनका बॉक्स भी निकाल देंगे। अच्छा तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, अच्छा एक दो तीन चार बॉक्स लगे हुए, बाकी सारे पेयर फारिग हो चुके हैं, अभी जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो ही हम लोग फिर करेंगे। तो उस रूम के लिए कोई ना कोई सेटिंग करते हैं, पहले मैं चाह रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा लुक दूँ अच्छा सा, उसके बाद जो है ना बर्ड शिफ्ट करूँगा। ये हमारा कॉकटेल्स वगैरह भी वहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, वो जितने सारे बर्ड यहाँ पे रखे हुए ना, ये कुछ लुटिनो पेल फेलो वहाँ पे लुटिनो एल्बाइनो और कुछ यहाँ पे भी क्रीमिनो डेकिनो पड़े हुए ना, ये सारे बर्ड। तो मैं सोच रहा हूँ ये सारे के सारे ना उधर शिफ्ट कर दूँ, और वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी बनी हुई है, तो वहाँ पे ना एक अच्छा सा खूबसूरत सा बनाते हैं कोई चेक करना, तो फिर उससे ये होगा कि बर्ड हैप्पी हो जाएगा उधर। तो ये सीन है, बाकी ये कि हाउस बहुत हो रहा है यार, अभी हाउस बहुत हो रहा है, थोड़ी देर रूम कूलर चला देता हूँ, और अभी मैंने वीडियो चलाने के लिए बंद किया था। तो ये कि परिंदे दोबारा रिलैक्स में आ जाएंगे, बाकी ये मुझे थोड़ा सा ना बर्ड ना सुस्त सुस्त लग रहा है, ये वाला बर्ड जो ना सुस्त सुस्त लग रहा है यार। इनकी भी ना वैक्सीन करने का टाइम आ गया, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी शदीद गर्मी, फिर अब थोड़ा सा मौसम ज़रा अबर वाला हो गया। दिखाया था मैंने आपको मौसम, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बराबर टाइम मौसम हो रहा है, तो सोच रहा हूँ कि ना वैक्सीन कर दूँ, एक वीडियो बना दूंगा मैं कि मौसम चेंज करते वक्त मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ इनमें से। अभी तो नहीं, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा जिसमें मैं ये भी बता दूंगा कि गर्मी से अगर सर्द मौसम आ रहा है या गर्मी से कोई अबर आलूदा मौसम आ रहा है बारिश का, तो उससे पहले पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी आज ही जो है ये कल मेरे ख्याल से मौसम चेंज हुआ है, तो मैं इनको ना वैक्सीन करवा दूंगा, इन सबको, इनको भी करवा दूंगा, ये तो खैर वैक्सीनेटेड हैं लेकिन फिर भी करा दूंगा, फिर भी एक दफ़ा इनको वैक्सीन करवा दूंगा। बाकी ये कि उस रूम के लिए सेटिंग करूंगा मैं कोई ना कोई, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, अपडेट करूंगा। ये देख रहे हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो रहा है, साफ पता लग रहा है कि सुस्त बैठा हुआ है। तो ये कि मैं अभी इनकी वैक्सीन करता हूँ, वैक्सीन करूंगा तो आपको वीडियो भी बताता हूँ कौन सी वैक्सीन कर रहा हूँ। बाकी ये कि यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, आगे फैलाइए, वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है अभी मुझे, ताकि थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ेगा, थोड़े से व्यू देंगे तो मोटिवेशन मिलती है यार। बाकी ये जिनके भाई के पास बर्ड हैं उनको भी इस चैनल से फ़ायदा होता रहेगा, कुछ वीडियोस मैं इंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ, कुछ बर्ड सीखने के लिए बनाता हूँ, और कुछ वैक्सीनेटेड वगैरह वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं उनके लिए बनाता हूँ। तो ये कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मिजाज लग रहा है यार, सब कुछ खा जाएगा यार, सब कुछ खा जाएगा, इसको लग रहा है। नहीं खाता माशाल्लाह से बहुत है ये, खाता बहुत है भाई, तुम बहुत खाने लग गए हो माशाल्लाह से। ये बड़ा भी कभी कितनी जल्दी हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये भी 3 महीने का होगा और फुल हो गया ये। बस ये क्या हैंड टेम नहीं हो रहा, तो टाइम नहीं मेरा ना, हैंड टेम नहीं हो पाया ये। बाकी क्या वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं अपना कैमरा दिखाऊंगा कि मैं उसके लिए क्या चेंजेस कर रहा हूँ।
तब तक के लिए कनेक्ट रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।